विभाग की लापरवाही आम उपभोक्ताओं पर किस तरह भारी पड़ती है, इसकी जीती जागती मिसाल इत्र नगरी कन्नौज में देखने को मिली। यूपी के कन्नौज के काजी टोला मोहल्ले के एक उपभोक्ता को 866 यूनिट का 2 लाख का बिल भेज दिया गया। इतना ही नहीं, उसकी 1 लाख से ज्यादा की आरसी भी काट दी गई। बिजली विभाग के अफसरों ने कोई सुनवाई नहीं की तो पीड़ित ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि यह है काजी टोला मोहल्ले के बासीदली के घर बिजली विभाग की लापरवाही से 2,19,000 से ज्यादा का बिल भेज दिया गया। इतनी बड़ी रकम का उनका बिल महज 866 यूनिट का था। वह अपना बिल सही कराने के लिए बिजली विभाग के चक्कर लगा रहे थे कि उनकी 1 लाख रुपए से ज्यादा की आरसी काट दी गई। गिरफ्तारी के डर से उन्होंने जिलाधिकारी के चौखट पर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ने बताया कि डीएम ने जब बिजली विभाग की अंधेर गर्दी देखी तो उनका पारा चढ़ गया और उन्होंने अधिशासी अभियंता को फटकार लगाते हुए पीड़ित की समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए हैं। वहीं जब बिजली विभाग के आला अधिकारी से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। डीएम साहब के यहाँ जो है हम ज्ञापन इसलिए देने आए थे, इसी महीने में इन्होंने आरसी हमारी जनरेट करी है 19/12/2019 को, ठीक है। अब 1,05,000 की आरसी है, 688 यूनिट का बिल बना है 6,513 रुपये, तो ये जो 1,05,000 की जो है आरसी कैसे जनरेट हुई, और बिल इन्होंने निकाला है 2,16,000 रुपये का। 2,16,000 का बिल है और 1,05,000 की आरसी है, और बिल हमने जो पैड किया है वो है 6,500 रुपये का, 6,513 का। तो आरसी वाले कह रहे हैं कि आरसी का पैसा जमा कराओ 5,000। तो बताओ ये कैसे धांधलगिरी ने क्या है, मतलब जो है हम गरीब आदमी मालूम है अटक पड़ जाए, कौन देगा पैसा। पूरी तरीके से मनमानी कर रहे बिजली, पूरी तरीके से। इससे पहले इन्होंने 23 करोड़ का बिल भेजा, तकरीबन 1 साल से तो बिल नहीं दे रहे हैं। जब बिल भेजा तो 2 लाख जो है 16,000 का भेज दिया, और जब हमने जो है जब जमा करने गए तो वहाँ 6,513 रुपये जमा हुए, और आरसी भी उन्होंने निकाल दी 1,05,000 की। कोई नियम नहीं, कुछ नहीं है, अपने तरीके से यूज़ कर रहे हैं। जमा हो गया तो ठीक है, नहीं जमा हुआ भटकते रहो। अभी आपने डीएम साहब से एप्लीकेशन दी तो डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब ने ये कहा है कि हम जो तत्काल आपकी जो है कार्रवाई करवाते हैं इसकी। यूपी के फरुखाबाद जिले के उस्मानगंज प्रधान अवधेश चंद कटियार के तरफ से सभी देश व ग्राम वासियों को 2020 नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नया साल मंगलमय हो। विवेदक, ग्राम सभा उस्मानगंज जनपद फरुखाबाद। यूपी के कन्नौज जिले के हयात नगर रतनपुर प्रधान पद के भावी उम्मीदवार प्रत्याशी अजीत सिंह शाख उर्फ प्रदीप शाख की तरफ से सभी देशवासियों व ग्राम वासियों को नव वर्ष 2020 की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल मंगलमय हो। निवेदक, ग्राम सभा रतनपुर हयात नगर जनपद कन्नौज।